हफ्ते में 3 दिन ये चीजें मिलाकर बालों में लगा लो, बाल भयंकर लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने बालों के एक्सट्रीम हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, तो मेरे साथ आज की वीडियो में एंड तक वीडियो को जरूर देखना कि किस तरीके से आप हफ्ते में 3 दिन अपने बालों पर ये रेमेडी लगाकर बहुत तेजी से अपने बालों को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपने बालों को तेजी से झड़ने से रोक सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं, तो इस रेमेडी के लगाने से आपके बालों की जो खोई हुई चमक है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। और आपके बाल अगर बहुत ज्यादा पतले हैं, हल्के हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं जड़ से, हाथ लगाते ही हाथों में आपके बाल जो है आना शुरू हो गए हैं, तो आपके बाल तेजी से मजबूत होने के साथ साथ बाल जो है तेजी से मोटे और घने होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक वीडियो को जरूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार वीडियो को आके देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आज की इस पावरफुल रेमेडी को हम रेडी करते हैं बनाना। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपने क्या करना है, गैस पर एक पैन रखना है, गैस की फ्लेम को ऑन करके और आपने इसमें एक गिलास पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसमें आपने एक चम्मच मेथी दाना डालना है। दोस्तों मेथी दाने का हमारे बालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ये हमारे बालों को बहुत अच्छे पोषण देता है। मेथी दाना जो होता है इसमें मौजूद आयरन हमारे हेयर की स्कैल्प में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की जड़ जो है वो अंदर से मजबूत होती है और बाल झड़ने की समस्या जो है इसके यूज से खत्म होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ हमारे हेयर की स्कैल्प जो है ड्राई हो चुकी है, रूसी डैंड्रफ की समस्या हमारे बालों में है, तो ये हमारी स्कैल्प से उसको भी खत्म करने में मदद करता है। अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो चुके हैं या फिर हमारे बालों में कोई भी शाइन नहीं है, बहुत ज्यादा रफ हो चुके हैं, तो हमारे बालों की खोई हुई चमक जो होती है उसको वापस लाने में हमारे लिए बहुत ही हमारी हेल्प करता है। दोस्तों अगर आपके बालों में दो मुए बालों की समस्या है या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं, पतले हैं, तो आपकी बालों से ये जो परेशानी है आपके बालों की वो भी खत्म करने में बहुत ही अच्छी आपकी मदद करता है। अब आपने दूसरा इसमें जो डालना है दोस्तों, आपने डालना है रोजमेरी की जो सूखी डंडियां होती है, एक चम्मच आपने उसको इसमें डाल देना है। दोस्तों रोजमेरी जो होती है, अगर हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, रफ है, तो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और शाइनी बनाती है, खोई शाइन को वापस लाती है। दोस्तों रोजमेरी जो होती है उसमें बहुत अच्छे से प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो स्कैल्प को बहुत अच्छे तरीके से मजबूती देते हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना जो है वो तेजी से रुकना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे एंटीफंगल प्रॉपर्टीज होती है जो स्कैल्प से किसी भी तरह की इन्फेक्शन, डैंड्रफ या फिर इचिंग की समस्या को खत्म करती हैं। अगर हमारे सिर में बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर्स हैं जिसकी ग्रोथ काफी समय से रुकी हुई है, तो हमारे सिर से वो बाल जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में तेजी से घनापन बनता है और बाल बहुत तेजी से मोटे घने होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इन दोनों की जो न्यूट्रिएंट्स है ना, हमारे बालों को बहुत तेजी से हमारे बालों की हर परेशानी खत्म करने में हमारी बहुत ही अच्छी मदद करेंगे, साथ ही साथ हमारे बालों को जड़ से मजबूत करेंगे। बालों के जड़ से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है अंदर से स्ट्रांग होते हैं और इसी कारण हमारे बालों का जो झड़ना है वो खत्म होता है और बाल जो है तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे बालों की ग्रोथ काफी समय से रुकी हुई है, तो आज की जो ये रेमेडी है ना, आपके बालों को बहुत तेजी से बढ़ाने में आपकी मदद करने वाली है। 3 से 4 मिनट यहाँ पर दोस्तों अच्छे से इसे बॉईल करने के बाद आपने क्या करना है, गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद करना है और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना दोस्तों, आपने इसको किसी भी बाउल में स्ट्रेन करके ले लेना है, और उसके बाद आपने इसमें जो डालना है, एक चम्मच आपने ऑलिव ऑयल डालना है। दोस्तों ऑलिव ऑयल जो होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों को बहुत अच्छे तरीके से मजबूती देते हैं, साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है, स्कैल्प को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। साथ ही साथ हमारे बालों में दो मुए बालों की परेशानी है या फिर बालों में ब्रेकेज की परेशानी है, बीच में से ही आपके बाल टूटते हैं, तो आपके बालों से वो परेशानी ये बहुत जल्दी खत्म करता है। साथ ही साथ आपके बालों को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है और बालों के टेक्सचर को बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बनाना शुरू कर देता है।
इसके यूज से आपके बालों की जितनी भी रफनेस और ड्राइनेस है ना, वो सारी रफनेस ड्राइनेस खत्म होना शुरू हो जाती है, बालों में एक बहुत ही अच्छा एक बाउंस देता है। अब नेक्स्ट आपने इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल डाल देना है। एलोवेरा की जो बेनिफिट्स है ना दोस्तों, वो आप सभी को पता ही होंगी कि हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए एलोवेरा जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे हमारे बाल जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और बालों का झड़ना रुकता है, साथ ही साथ बाल बहुत हाइड्रेट होते हैं। जितना भी हमारे बालों में ड्राइनेस है या फ्रिजीनेस है, हमारे बालों की वो परेशानी खत्म करता है, साथ ही साथ स्कैल्प को बहुत तेजी से स्ट्रांग बनाता है और हमारे स्कैल्प में जितनी भी परेशानी है डैंड्रफ की या रूसी की, वो स्कैल्प से खत्म करता है। इसके यूज से हमारे बाल अगर डैमेज हो चुके हैं तो आपके डैमेज हेयर को भी बहुत तेजी से रिपेयर करने में आपकी ये मदद करता है। मिक्स करने के बाद जब आप इसका एप्लीकेशन अपने बालों पर करेंगे ना दोस्तों, आपके बालों की काया पलट करने में ये आपकी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। हफ्ते में 3 दिन अगर आप अपने बालों पर इसको लगाएंगे तो आपके बाल तेजी से मजबूत होने के साथ साथ बाल जो है झड़ना रुकेंगे, बालों की ग्रोथ तेज होगी, बाल बहुत तेजी से सॉफ्ट शाइनिंग होंगे और बाल जो है दो मुए बालों की परेशानी से बचेंगे, साथ ही साथ बालों में बहुत ही तेजी से मोटापन और घनापन बनेगा। सारे हेयर की स्कैल्प में अच्छे से इसका एप्लीकेशन करने के बाद आप इसको ओवरनाइट अपने हेयर पे जरूर लगाएं ताकि अच्छे से इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी हेयर की स्कैल्प को मिले, जिससे हेयर की स्कैल्प बहुत अच्छे से मजबूत हो। अगर स्कैल्प मजबूत होगी तो उसके बेनिफिट आपके सारे बालों पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों एक लाइक वीडियो को जरूर दीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल रेमेडीज आप मेरे चैनल पर देख सकें, इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही यूजफुल रेमेडीज मैं आपके साथ में अपने चैनल पर शेयर करती रहूंगी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नई यूजफुल रेमेडी के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।